नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हरितालिका तीज का व्रत आने वाला है, तो सबसे पहले आने वाले हरितालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। हरितालिका तीज के व्रत में क्या क्या पूजा सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी वो वीडियो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी संपूर्ण पूजा विधि। ये वीडियो पिछले साल का है कि मैंने जैसे पूजा करी थी, ओरिजिनल पूजा जैसी मैंने करी थी, वो संपूर्ण वीडियो है। पूजा सामग्री अभी दिखाऊंगी, अगली वीडियो में मैं आपको पूजन विधि दिखाऊंगी। तो आइए जानते हैं क्या क्या पूजा सामग्री की जरूरत पड़ेगी। आपको भी सामान खरीदना होगा तो आप लिस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हरितालिका तीज का जो व्रत है इस साल 5 सितंबर और 6 सितंबर में कंफ्यूजन है, तो 6 सितंबर को रखा जाएगा। उदया तिथि के हिसाब से व्रत जो है वो 6 सितंबर को रखा जाएगा। तो ये देखिए पिछले साल का वीडियो है, मैंने जब पूजा करी थी तो मैंने वीडियो बना लिया था, तो वही वीडियो है। तो ये देखिए मैंने एकत्र कर लिया है संपूर्ण पूजन सामग्री। ये देखिए सच्चे मन और श्रद्धा से हमें पूजा करनी है, तो कोई सामान नहीं मिल पाए तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ इस तरह से गंगा जी की मिट्टी की बनी हुई भगवान शिव माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति मिलती है। ये देखिए इस तरह से मार्केट में आसानी से मिल जाती है। अगर आपके यहाँ ऐसी मूर्ति ना मिलती हो तो आप फोटो में भी पूजा कर सकते हैं। आप अपने हाथों से शिवलिंग बना के उनकी भी पूजा कर सकते हैं, या मिट्टी से आप 3 गोले बना लें भगवान शिव माता पार्वती और गणेश जी का स्वरूप मान के, आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। साथ में हमें चाहिए रोरी, अक्षत, हल्दी और सिंदूर। साथ में अपना सिंदौरा जरूर रखिएगा, जो कि आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं सिंदौरा, वो रखेंगे। फिर उसके बाद ये फुलेरा होता है, इस तरह से भगवान शिव के ऊपर जो है जहाँ पर आप पूजा करते हैं वहाँ पे फुलेरा लगाया जाता है। भगवान शिव का मुकुट मिलता है मार्केट में, नहीं होता आप अपने हाथों से भी बना सकते हैं। फूल माला चाहिए, देखिए इस तरह से गेंदे का फूल है भगवान शिव को चढ़ाने के लिए, फूल चाहिए। धतूरा, बेलपत्र चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, बेलपत्र 5, 11, 7 इस तरह से चढ़ाया जाता है। भांग के पत्ते, तो जो कि आप जहाँ पर समी का पत्ता जो हो गया, तो हर ये सारे जो है फूल आप को चाहिए, माला चाहिए। साथ में हमें सिंगार का सामान चढ़ाना होता है। देखिए सिंगार के सामान में माँ पार्वती को चढ़ाने के लिए आप बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, ये 3 जो है बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके अलावा आप और भी चीज़ें इस तरह से शामिल कर सकते हैं, जैसे पाउडर है, क्रीम है, आलता है, और 16 सिंगार करके ही पूजा की जाती है। हाथों में मेहंदी ज़रूर लगाएं, और देखिए नेल पॉलिश है, रबड़ है, तो ये पूरी जो थाली होती है ये सुहाग की थाली होती है, जिसको ऐसा माना जाता है कि बाद में पूजा के बाद सास को दे के उनके पैर छू के आशीर्वाद दिया जाता है। साड़ी या नया कपड़ा आप चढ़ा सकते हैं सामर्थ्य के अनुसार, नहीं तो आप कोई भी ब्लाउज पीस भी आप चढ़ा सकते हैं। तो ये जैसे कि ये देखिए ये पूरा सामान है, इसको मैंने चढ़ाया। बहुत से लोग कहते हैं कि सास नहीं है तो किसे दे दें, तो सास नहीं है तो अपने ससुराल पक्ष में आप किसी को भी दे सकते हैं, जैसे कि आपकी ननद हो गई, जेठानी हो गई, देवरानी हो गई, आप उन्हें ये सुहाग की थाली दे के उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। तो ये देखिए सीसा, कंघी, संपूर्ण जो श्रृंगार का सामान होता है वो हम चढ़ाएंगे। बहुत से जगह मायके से ये सारा सामान आता है, जो भी पहली तीज रह रहे होते हैं उनके मायके से पूरा सामान आता है और उसी से पूजा की जाती है। तो अलग अलग जगह अलग अलग प्रथाएं हैं, आपके यहाँ जैसा होता होगा आप देख लीजिएगा। अगर आप पहले बार व्रत रह रहे हैं तो जो भी सामान होता है, सुहाग की थाली है, आप जो साड़ी पहनेंगे, वो सारी चीज़ें मायके के पक्ष से आती हैं। इस दिन पे जो है आप प्रसाद में गुजिया बनाने की भी बहुत जगह प्रथाएं हैं। तो ये देखिए ये पूरा श्रृंगार का सामान है, इसे भी माता पार्वती को चढ़ाना है। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप सारा सामान खरीद सकते हैं। मेन होता है बिंदी, सिंदूर और चूड़ी चढ़ाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ में आप मेहंदी आलता चढ़ा सकते हैं। ये देखिए भांग के पत्ते हैं, भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाया जाता है जैसा कि सबको पता है। साथ में हम फल फूल चढ़ाएंगे, तो आप फल में आप ले सकते हैं केला ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, नारियल जो है बहुत ही शुभ माना जाता है, तो नारियल चढ़ाएंगे। किसी भी पूजा में नारियल का अपना महत्व होता है। साथ में आप कोई मीठी चीज बनाकर उसका भी भोग लगा सकते हैं। बहुत सी जगह गुजिया बनाई जाती है जैसा कि मैंने बोला, तो बहुत ही धूमधाम से यह पर्व मनाया जाता है। ये देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही कम सामग्री में मैं पूजा करती हूँ। ये देखिए ये पिछले बार का वीडियो है, जैसा कि मैंने आपको बताया जैसे मैंने पूजा करती हूँ, मैंने करी थी पूजा, वही वीडियो है ये मैंने पूजन सामग्री
एकत्र कर ली है, तो आप भी एक बार लिस्ट चेक कर लीजिएगा। साथ में हरिताल का तीज व्रत की कथा जो है कि बुक जो आप जरूर खरीद लीजिए, नेट पे भी आराम से सुनी जा सकती है कथाएं। तो ये थी, अगला वीडियो मैं जो बनाऊंगी वो है संपूर्ण पूजा विधि, जैसे कि मैंने पिछले साल पूजा करी थी। ये देखिए पूजा, ये मैंने इस तरह पूजा करी थी, तो आप मेरे चैनल पे भी जाके देख सकते हैं, मैंने लाइव कथा भी लगाई थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।